बच्चों, अब हम कुछ मानक फलन और उनके आलेख के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहला मानक फलन है तत्समक फलन, अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन। ये किस प्रकार से परिभाषित होता है, इसके प्रांत, परिसर और उनका आलेख यहां पर हम देखेंगे। तो तत्समक फलन, फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, यानी आर से आर में एक फलन। बच्चों, आर का मतलब यहां पर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के समुच्चय से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन, जो f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए परिभाषित है, तत्समक फलन कहलाता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। पहला, इनका प्रांत बराबर R, R मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ध्यान रखेंगे बच्चों। दूसरा, इसका परिसर इज इक्वल टू आर, और तीसरा, इसका आलेख देखते हैं, इसके आलेख की विशेषताएं हैं। इसका आलेख एक सरल रेखा होती है, आप स्क्रीन पे देखें, जो मूल बिंदु से होकर धन एक्स अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाते हुए जाती है। आप देखें गौर से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका आलेख स्क्रीन पे देखें, ये मूल बिंदु से गुजर रही है और प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश से होकर जाती है। धन, आप देख रहे होंगे, धन एक्स अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाते हुए जा रही है। दूसरा, अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, इसकी परिभाषा देखते हैं। फलन f सच दैट r टेंस टू r, r से r में फलन, जो f ऑफ x इज इक्वल टू c, अर्थात f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, जहां c एक अचर है, कांस्टेंट है, द्वारा परिभाषित है, अचर फलन कहलाता है। अचर फलन की विशेषताएं देखिए बच्चों, इनका प्रांत R होता है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। दूसरा, इसका परिसर कांस्टेंट यानी C होता है, सिंगल एलिमेंट C। और तीसरा, इसका आलेख X अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, आप स्क्रीन पे देखें इनके ग्राफ को, x अक्ष के ऊपर f ऑफ x इक्वल टू c, यदि c इज ग्रेटर देन 0, और x अक्ष के नीचे आप देखें f ऑफ x इक्वल टू c, यदि c इज लेस देन 0। तीसरा फलन है बहुपद फलन, अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी परिभाषा है। फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, जो f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू x प्लस a2 इंटू x स्क्वायर प्लस a3 इंटू x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस an इंटू x टू द पावर n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जहां n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है तथा a0 कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा डैश 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 कॉमा ए एन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर, द्वारा परिभाषित है, बहुपद फलन कहलाता है। इस फलन की विशेषताएं देखिए, पहला, इसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात आर होता है। दूसरा, इसका परिसर, परिसर जो है इस फलन में जो अचर गुणांक हैं,
ए जीरो कामा ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री कामा डैश 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 कामा ए एन, इस पर निर्भर करता है। और इसका आलेख इस बहुपदी फलन के घात पर निर्भर करता है। यदि द्विघात फलन है तो इसका आलेख परवलय के आकार का ऊपरी मुखी अथवा निचली मुखी होता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। फलन f such that r tends to r, जहां f of x is equal to x square और x belongs to r। अब इस फलन को देखिए, f of x is equal to x square, ये द्विघात फलन है। इसका आलेख देखिए बच्चों स्क्रीन पे। इसका आकार परवलय के आकार का है, आप देख रहे हैं। ये मूल बिंदु से गुजर रही है और y अक्ष के सममित है। ये परवलय ऊपरी मुखी है। इनकी विशेषताएं देखिए, इसका प्रांत इज इक्वल टू x such that x belongs to r। दूसरा, इसका परिसर इज इक्वल टू x square such that x belongs to r। हम यहां पर एक विशेष बहुपद फलन अर्थात द्विघाती फलन के बारे में देख रहे हैं। तीसरा, इसका आलेख देखिए, ऊपरी मुखी परवलय के आकार का जो मूल बिंदु से होकर के जाता है और y अक्ष के सममित है। चौथा फलन देखिए, परिमेय फलन अर्थात रेशनल फंक्शन। f ऑफ x बाई g ऑफ x के प्रकार का फलन, जहां f ऑफ x और g ऑफ x एक प्रांत में x के परिभाषित बहुपदी फलन है, जिसमें g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात हर में जो बहुपद है वो शून्य बहुपद नहीं होना चाहिए। g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो परिमेय फलन कहलाते हैं। बच्चों इनकी विशेषताएं देखिए, इनका प्रांत बराबर शून्य के अतिरिक्त समस्त वास्तविक संख्याएं अर्थात r माइनस जीरो। इनका परिसर यह भी शून्य के अतिरिक्त समस्त वास्तविक संख्याएं होती हैं अर्थात r माइनस जीरो, यानी शून्य को छोड़कर। और इसका आलेख जो है, इसके अंश और हर में जो बहुपद है f ऑफ x व g ऑफ x, इस पर निर्भर करता है। पांचवा फलन है मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। इसकी परिभाषा देखिए, फलन f such that r tends to r, जो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन मापांक फलन कहलाता है। यहां पर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और माइनस x यदि x इज लेस देन जीरो। मापांक फलन की विशेषताएं देखिए, इनका प्रांत r होता है अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है और इनका परिसर ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। अर्थात यदि हम अंतराल के रूप में लिखें तो इनका परिसर बराबर क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। और तीसरा, इसका आलेख वी आकृति का जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा धन y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। आप स्क्रीन पे देखें बच्चों, मापांक फलन का ग्राफ आप देखें, वी शेप दिख रहा है आपको, ये मूल बिंदु से जा रहा है और धन y अक्ष के सापेक्ष सममित है। छठवां फलन है चिन्ह फलन, साइनम फंक्शन। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, फलन f such that r tends to r फॉर ऑल x belongs to r के लिए f of x is equal to 1 यदि x is greater than 0, f of x equal to 0 यदि x is equal to 0 और f of x equal to minus 1
यदि x इज लेस देन 0 द्वारा परिभाषित है चिन्ह फलन कहलाता है। बच्चों इनकी विशेषताएं देखिए, इनका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात R है, इनका परिसर केवल इन तीन संख्याओं का समुच्चय है -1, 0, 1 और इसका आलेख स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे दर्शाया गया है इसका आलेख। बच्चों देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें एक इसका जो परिसर है y इज इक्वल टू 1 ऊपर देख रहे हो आप, y इज इक्वल टू 1 कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। आप देख सकते हैं ऊपर x अक्ष के ऊपर दिखाया गया है। दूसरा y इज इक्वल टू 0 जहां पर x इक्वल टू 0 है, ये मूल बिंदु पर दिखाया गया आपको डार्कनेस करके मूल बिंदु को, और y इज इक्वल टू -1 x अक्ष के नीचे आपको तीर द्वारा ये x अक्ष के समानांतर रेखा किरण दिखाई गई है, बाएं तरफ जा रही है किरण y इज इक्वल टू -1। सातवां फलन है महत्तम पूर्णांक फलन अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी परिभाषा है फलन f such that r tends to r, जो f of x is equal to महत्तम पूर्णांक x, जिसका अर्थ है x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक मान ग्रहण करता है, महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। यहां पर f of x is equal to महत्तम पूर्णांक x is equal to x यदि x पूर्णांक है, तथा महत्तम पूर्णांक x बराबर एक पूर्णांक जो x से कम है यदि x पूर्णांक नहीं है। बच्चों यहां पर दो स्थिति को विशेष ध्यान रखना है, इसका मान x यदि x पूर्णांक है और इसका मान एक ऐसा पूर्णांक जो x से कम है, यानी x से जस्ट छोटा पूर्णांक यदि x पूर्णांक नहीं है। इस अर्थ को समझना है बच्चों, इस अर्थ को हम परिभाषा के आधार पर महत्तम पूर्णांक x को हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं, महत्तम पूर्णांक x बराबर -1 यदि -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 0, महत्तम पूर्णांक x बराबर 0 यदि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, महत्तम पूर्णांक x इज इक्वल टू 1 यदि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 2, महत्तम पूर्णांक x इज इक्वल टू 2 यदि 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 3 इत्यादि। इसी प्रकार से हम अन्य संख्या लेकर के महत्तम पूर्णांक फलन को परिभाषित कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। बच्चों इनकी विशेषताएं देखिए, इनका प्रांत रियल नंबर होता है अर्थात R, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। इनका परिसर Z होता है, Z अर्थात पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। याद रखे बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन का परिसर हमेशा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। और तीसरा, इसका आलेख स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप स्क्रीन पे देखें, ऊपर जो महत्तम पूर्णांक x जो समझाया गया है उसी पर आधारित इसका आलेख स्क्रीन पे अंकित है, इसको ध्यान से देखें बच्चों। जैसे हम इस पर एक देखें, महत्तम पूर्णांक x बराबर 1, स्क्रीन पे देखें महत्तम पूर्णांक x बराबर 1 यदि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 2, यानी जब x का मान 1 से 2 से पहले तक, तब
इसका मान, फलन का मान एक होता है, यानी y इज इक्वल टू वन। आप गौर से देखें स्क्रीन पे, y इज इक्वल टू वन पे x का मान कहां से कहां तक है देखें आप, वन से दो से कम, वन से लेकर के दो से जस्ट पहले तक। आप देख रहे हैं दो पर सर्कल बना हुआ है, यानी वो शामिल नहीं है, दो शामिल नहीं है, यानी प्रांत में दो शामिल नहीं है, जबकि दो से छोटी एक तक की सभी संख्याएं इसके प्रांत में शामिल है, जबकि इसका परिसर केवल एक है। ठीक इसी प्रकार से हम अन्य टुकड़ों को देख सकते हैं, ये इसका ग्राफ टुकड़ों टुकड़ों में बना है, इसलिए हम इसको सोपान फलन भी कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन को हम सोपान फलन भी कहते हैं। देखिए अलग अलग सोपान पे इसका आलेख बना हुआ है, ध्यान से देखिए बच्चों स्क्रीन पे। अब बच्चों ये जो सात प्रकार के मानक फलन दिखाए गए हैं और इन फलनों के प्रांत परिसर और आलेख, यदि हम इसको ध्यान से देखें समझें तो इसकी बहुत अधिक उपयोगिता प्रश्नों को हल करते समय है। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो इन फलनों, इन मानक फलनों और उनकी विशेषता और ग्राफ को जरूर ध्यान पर रखें तो निश्चित रूप से सवालों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। बच्चों अब हम इस पर आधारित प्रश्न करते हैं और ले लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक के विविध प्रश्नावली। आपको जो टेक्स्ट बुक है एससीईआरटी का, उसके विविध प्रश्नावली से सवाल उठाते हैं। पहला सवाल उठाते हैं प्रश्न क्रमांक चार को। यह प्रश्न कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके पहले भी आप दिए गए फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कर चुके हैं। हम कुछ कठिन स्तर का प्रश्न लेते हैं और प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। तो इस प्रश्न में फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले हम प्रांत निकालते हैं। बच्चों प्रांत की परिभाषा पहले आप पढ़ चुके हैं, फिर भी प्रांत होता क्या है, एक्स के वे सभी मान जिनके लिए दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स परिभाषित होता है। तो यहां पर दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स परिभाषित होगा यदि एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू जीरो। हमेशा याद रखें बच्चों वर्गमूल फलन सदैव किसके लिए परिभाषित होता है, वर्गमूल के अंदर जो व्यंजक है वो उसका मान हमेशा शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बच्चों, धनात्मक मानों के लिए परिभाषित होता है। तो f ऑफ x परिभाषित होगा यदि x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयर इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। x का मान क्या मिल रहा है, यानी फलन कब परिभाषित हो रहा है, x का मान एक के बराबर या एक से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसका प्रांत को यदि हम अंतराल के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल वन टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। बच्चों इसके प्रांत को हम नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा में भी दर्शा सकते हैं। बच्चों स्क्रीन पे देखिए संख्या रेखा में वन से लेकर राइट साइड इन्फिनिटी तक, इसमें वन शामिल है, डार्कनेस वन के बिंदु को डार्कनेस किया गया, मतलब ये सम्मिलित है, वन से राइट साइड पूरा डार्कनेस किया गया है। तो हम इस अंतराल को संख्या रेखा में भी हम दर्शा सकते हैं, अर्थात प्रांत को संख्या रेखा में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इनका परिसर देखिए बच्चों, चूंकि परिसर प्रांत x के संगत y के सभी मानों का समुच्चय होता है, मान लेते हैं y बराबर f ऑफ x, देयर एम्प्लाइज y बराबर रूट ऑफ x माइनस वन। इसके दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन,
देयर एम्प्लाइज y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। परंतु यहां पर ध्यान रखने योग्य है बच्चों कि x का मान जो है, x मतलब प्रांत का मान जो है पूर्व में निकाल चुके हैं आप देखें ऊपर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x का मान रख दें, x का मान निकाले हैं y स्क्वायर प्लस 1, देयर एम्प्लाइज y स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयर एम्प्लाइज सरल करने पर मिलेगा y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देयर एम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x का न्यूनतम मान 1 है। बच्चों ध्यान रखें, x का न्यूनतम मान क्या है? 1। तो x का जब न्यूनतम मान 1 होगा तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? तो आप रख दीजिए y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 में रखिए, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 1 यानी रूट ऑफ 0 यानी 0, अर्थात y का न्यूनतम मान 0 होगा। ध्यान रहे बच्चों यहां पर x का न्यूनतम मान 1 है इसलिए y का न्यूनतम मान 0 होगा, अतः इसका परिसर 0 से प्रारंभ होगा धनात्मक मान की ओर, अर्थात इस फलन का परिसर बराबर बंद अंतराल 0 से खुला अंतराल इन्फिनिटी, या हम पढ़ सकते हैं परिसर इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। बच्चों इसे हम संख्या रेखा में भी दर्शा सकते हैं, आप स्क्रीन पे संख्या रेखा में देखिए, 0 से राइट साइड तक डार्क किया गया है, 0 टू इन्फिनिटी 0 भी डार्क किया गया है, 0 वाला बिंदु जो है वो भी डार्क किया गया है, राइट साइड पूरा इन्फिनिटी तक डार्क किया गया है। तो संख्या रेखा में हम परिसर को दर्शा सकते हैं।